हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आपको संगीत में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। संगीत सीखने के लिए सबसे पहले हमें अलंकार सीखना पड़ता है, तो आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको यही समझाने जा रहा हूं कि अलंकार किसे कहते हैं, इसको कैसे गाते हैं, इसको हारमोनियम के साथ कैसे बजाते हैं, और अलंकार बजाते समय हमें अपनी कौन सी उंगली कौन से स्वर पर रखनी होती है, ये सब इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, व्हाट इज अलंकार इन म्यूजिक, संगीत में अलंकार किसे कहते हैं। परिभाषा, अलंकार वे आभूषण होते हैं जो सजावट के कार्य हेतु प्रयोग किए जाते हैं। अतः गुंफित स्वरों द्वारा स्वरों को सजाने की क्रिया अलंकार कहलाती है। उदाहरण, जैसे कि बिना चांद की चांदनी के रात्रि अच्छी नहीं लगती, बिना पानी के नदी शोभा नहीं देती, बिना फूलों के बेल नहीं भरते, ठीक वैसे ही अलंकारों के अभाव में गीत या बंदिश की शोभा नहीं होती। स्वरों के क्रमानुसार प्रयोग को अलंकार कहते हैं, अथवा क्रमानुसार स्वरों के संदर्भ, संगठन तथा गुंफन जो अच्छी तरह गुंथे हुए हों वे अलंकार कहलाते हैं। सह अलंकार किसे कहते हैं? सह अलंकार स्वरों का रियाज ही संगीत की शिक्षा का मूल आधार है। संगीत का विद्यार्थी जितना अधिक रियाज करेगा उसका कंठ उतना ही परिपक्व मधुर होता जाएगा। अलंकार रियाज का वह सुदृढ़ माध्यम है जो संगीतक शिक्षा को पूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए संगीत के क्षेत्र में संगीतक शिक्षा का प्रारंभ अलंकारों के रियाज द्वारा ही शुरू किया जाता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि अलंकार संगीत में सर्वश्रेष्ठ है, संगीत की शिक्षा अलंकार से ही प्रारंभ करनी चाहिए, तभी हमारा गला अच्छे से तैयार हो सकेगा। हम चाहे फिर वो सुगम संगीत हो, चाहे शास्त्रीय संगीत हो, चाहे गुरमत संगीत हो, चाहे सूफी संगीत हो, चाहे लोक संगीत हो, अगर हमने अलंकारों को अच्छे से किया होगा तो हम कोई भी संगीत हो उसको अच्छे से गा सकते।